से ये दो भी आ गई हैं और ये भी चल रही हैं हमारे साथ, और मेरे ससुराल वाले आगे जा रहे हैं, और हम सब जा रहे हैं वलीमे पे। स्पेशली जब आप आएंगी इंशाल्लाह ताला, आप तो मेरे ख्याल यहीं पर होंगी। हाँ मैं करूँगी। और हम आएंगे जरूर, फिर इस बार कुछ नया करना है। आपको तो आना पड़ेगा। नहीं, आप हमारे साथ होंगी। हाँ हाँ, इंशाल्लाह ताला दोबारा आना है। हाँ, मेरे भाई। जी अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। नहीं कोई 1 लाख रुपया नहीं है, मजाक। जी जरूर जरूर जरूर। आंटी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमसे आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बार बार आपके पास आ रहा हूँ। चले चले, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। सब अपना ख्याल। चलें जी, खैरियत से अल्लाह इनको पहुँचाए, और अल्लाह हाफिज़ सबको, बाय बाय, खैरियत से पहुँच जाएं आप लोग। अल्लाह हाफिज़ इस्लामाबाद वालों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी खैर से। तो भी आज की सुबह का आगाज़ माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ठंडा हुआ है, लेकिन ये है कि अभी धूप निकल आई है और हल्की फुल्की धूप थोड़ी सी गर्माइश दे रही है। अगर ये भी ना दे तो मेरे ख्याल है हम जो है ना सर्दी में अपना टाइम स्पेंड भी ना कर पाए, तो धूप होना ज़रूरी है साथ साथ। और माशाल्लाह से आज गर्मी है। अभी फ़िलहाल अभी मैं अभी जाऊँगा थोड़ी देर में मामू के पास, मामू से कुछ काम था मुझे, थोड़ा सा कुछ ज़मीन के हवाले से बात करनी थी, उनसे बात करके फिर आते हैं, देखते हैं लेट्स सी क्या उनका रिजल्ट निकलता है। तो अभी फ़िलहाल नहा के फ्रेश होके माएँ और अभी चलते हैं मामू घर के। चाय मिस कर दी उन्होंने, लेकिन हमने नहीं की, हमें चाय मिल गई है और यहाँ बैठ के हम चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई आपने चाय मिस कर दी, भाई भाई साहब आपने चाय मिस कर दी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ये गई चाय, ये अब आपकी नहीं, इस पर हमला नहीं करना। भाई साहब आपका काम ख़त्म हो गया, कोई काम है आपको? नहीं चाय तो मिस कर दी ना, चाय तो चाय गई आपकी, चाय आपकी मिस हो गई, अब ये चाय पे हमला हो गया है पक्का, ज्यादा हो गई, आप लेट हो गए। चले जी, थैंक यू चाय के लिए, माशाल्लाह सारा दिन चाय बनाती है हमारे लिए और बहुत ही उनकी चाय बेहतरीन किस्म की होती है, और सुबह इधर उधर हमले कर रहा है लेकिन नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं पीएंगे बशक, तुम ठीक है, कोई थैंक यू, हम पी लेंगे। तो गाइस जो जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको ये सेज तो अच्छे से याद होगी, ये मेरी सेज थी जो कि अभी टूट फूट का शिकार हुई है, और ये बेड वैसे का वैसे रखा हुआ है। अभी ये कमरा खुला है तो मुझे मेरी सेज नज़र आई है माशाल्लाह से, ये वकार साहब ने सजाई थी, लेकिन अब जाए तेज़ हवा से, जाहिर सी बात है खिड़की खोलते हैं तो तेज़ हवा से ये गिर सकती है या जो भी है, इसकी वजह से ये एक धागा टूटा है इसका जो तार थी। पर मैं जो सेज आप लोग ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप ये देख लें, ये चीज़ नोटिस कर लें कि ये इस तरह से फिटिंग हुई थी, ठीक है। अब जो सेज मैंने वकार ने सजाई थी उसके मुकाबले में मैंने सेज सजानी है, तो अब जो है ना वकार को मैं एक सेज सजा के दूंगा जो मेरा फ़र्ज़ बनता है इंशाल्लाह ताला, बहुत ही खूबसूरत सी सेज सजा के दूंगा, और वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डिफरेंट कैसे होगी वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, और वो सेज देखने के बाद आप बताइएगा कि थोड़ा तो फ़र्क होता है बड़े और छोटे में है। बड़े भाई की सजाई हुई सेज देखना फिर आप इंशाल्लाह। तो मुझे ये देख के याद आ गया कि भाई मेरी सेज हुआ करती थी, आज कमरा खुला हुआ था तो मैंने बोला थोड़ा सा लॉक शूट करके दिखा दूँ कि ये मेरी सेज थी। दिन से देख रहा हूँ गाइस, ये बंदा जो है यहाँ पर आके खेल रहा होता है, लेकिन खेल खेल में किसी की मदद हो रही है। इसको बहुत अच्छा लगता है काम करना, इसको यहाँ के मजा आता है यहाँ करने में है? मैंने नहीं किया वैसे ये। अच्छा ये किस लिए करते हैं बताओ? ये पता पता नहीं, बस ऐसे खेल रहे हो? मेरे लिए तो ये भाई ये पता है किस लिए होता है? ये यहाँ पर फर्श बिठाने के लिए होता है, आपको पता है? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है और फर्श ऐसे नहीं बैठता, सीमेंट नहीं बैठती, तो इसलिए ये टूटे टूटे करते हैं, और तुम बस ऐसे खेल रहे हो है? थोड़ा मैं हेल्प कर रहा हूँ, पता है नहीं हेल्प कर रहे हो? वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अभी हम इनवाइटेड हैं एक शादी में, उनकी आज वलीमा है तो अब वहाँ जा रहे हैं, और सारे हमारा वेट कर रहे थे घर वाले, जिसमें मेरे ससुराल वाले भी हैं और कुछ गेस्ट भी आए हैं अटेंड करने के लिए। तो अभी चलते हैं वलीमा अटेंड करते हैं, कुछ खाने का सिस्टम है और खाना वगैरह है। तो मेरे साथ सुहेल है, उनके वालिद साहब हैं, और एक उनके गेस्ट आए हैं वो भी चल रहे हैं, तभी चलते हैं इनके साथ वहाँ वलीमा अटेंड करते हैं। और उसके बाद ये रात को फंक्शन हो रहा था ना, तो मेरी वाइफ भी गई थी, तो वो तो था लेडीज़ का। अब वलीमे में सबको इनवाइट किया गया तो ज़्यादा इस बात जाना पड़ेगा, अब इंशाल्लाह ताला जाते हैं खाना खाते हैं। और इनके साथ साथ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मेरे ससुर साहब की जो है ना बाउंड्री वॉल जो है प्लस्तर भी हो रही है, और वो भी इस वास्ते ये भी करवा रहे थे, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद फर्श लेगा, उसका भी काम होगा। ये मेरे कज़न ही हैं जो यहाँ के मिस्त्री कह सकते हैं इनको, यहाँ के फेमस मिस्त्री हैं, हर कोई इनको बुलाता रहता है क्योंकि इनके हाथ की सफाई बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो ये कर रहे हैं अपने काम,
अभी फिलहाल आ रहे हैं ससुराल वाले, अलिशबा भी आ रही है, मेरी ससुर और सास भी आ रही हैं। हम जा रहे हैं सामने वाले घर में, यहाँ वाली में, तो चलते हैं इनके घर। तो माशाल्लाह से ये दो भी आ गई हैं और ये भी चल रही हैं हमारे साथ, और मेरे ससुराल वाले आगे जा रहे हैं और हम सब जा रहे हैं वलीमे पे। तो अलिशबा और ये दोनों सुबह से साथ जा घूम रही हैं, तो खाना खाने भी साथ में जा रही हैं। खैर चलें, चलें जी, खाना हमारा आ गया, अब खाना खाने लगे हैं और गरम गरम खाना आ गया। ये है वलीमे का खाना माशाल्लाह से। अब सब जाने लगे हैं और इनको हाफिज करते हैं। तो बच्चे सारे बैठ गए हैं, शायद वैसे भी मुलाकात करते हैं, और यहाँ पर बाजी सबसे मिल रही हैं। बाजी शानी छोड़ने का दिल तो चले जाना है। ये अभी जा रहे हैं माशाल्लाह से, सासू माँ से मुलाकात कर रहे हैं फिलहाल। प्याज खिलाएगी, क्या अच्छा बनाना आता है वो, मैं तुमको हमारे लिए हमको फिर वापसी आके सूप दोबारा इंशाल्लाह ताला हैं। इस बार सूप में इस बार कुछ और ट्राई करेंगे, क्या बोलते हैं? यहाँ की फिश नहीं, हेड की फिश अच्छी है, लेकिन इस बार पिज़्ज़ा नहीं खाया हमने। याद है लास्ट टाइम हमारी शादी पे आए थे, पिज़्ज़ा खाया था। नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा और फिश ये दोनों हम करेंगे इंशाल्लाह, उस वक्त हमारे पास टाइम भी होगा। कैसे अभी आप खैर खैर से पहुँच जाएँ, स्पेशली अब आप आएंगे इंशाल्लाह ताला, आप तो मेरे ख्याल यहीं पर होंगी। हाँ मैं करूँगी। और हम आएंगे जरूर, फिर इस बार कुछ नया करना है। आपको तो आना पड़ेगा। नहीं, आप हमारे साथ होंगी। हाँ हाँ, आपसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि बहुत खतरनाक चीजें हमें सुनने को मिली है ना। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर। इस बार कुछ नया करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। फिर आते हैं वापस, दोबारा आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ख्याल रखिए अपना। इधर मजाक मस्ती चल रही है, इनकी आपस में गपशप हो रही है, और ये बिल्कुल अभी एंड है और जाने लगे हैं माशाल्लाह से, और साथ में तो अभी कुछ मायूस और कुछ खुश ये है कि बस सब सैड हैं, क्योंकि जा रहे हैं, जहर सी बात है। अब इनके जाने के बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला दोबारा आना है जी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, कोई 1,00,000 रुपया नहीं है, मजाक जी। जरूर 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 आंटी, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमसे आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बार बार के पास आ रहा हूँ। चले चले, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। सब अपना ख्याल रखिए। साजिद भाई इंशाल्लाह फोन पे बात करेंगे, बिल्कुल ख्याल रखिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह पहुँच के फिर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ से अब सितारा बाजी वाले जाने लगे हैं, और इनको बिल्कुल अल्लाह पाक खैर खैर से पहुँचाए। सितारा बाजी भी अल्लाह हाफिज़ करते वाली, बच्चों को भी, सबको भी, सब खुश हैं और सैड भी हैं, क्योंकि सितारा बाजी आई और चली गई। मायूस भी हैं सब, मुस्तफ़ा भी, क्योंकि यहाँ खेलने का मौका बहुत मिलता है। चलें जी, खैरियत से अल्लाह इनको पहुँचाए, और अल्लाह हाफिज़ सबको, बाय बाय, खैरियत से पहुँच जाएँ आप लोग। अल्लाह हाफिज़ इस्लामाबाद वालो। चले जी, आज इतने दिन हो गए, कब से व्लॉग नहीं शूट किया, तो यहाँ पे आके ना मैं थोड़ा सा ना मसरूफ़ हो गई थी, कभी किस फ्रेंड के घर जाना, तो कल मिस के घर गई थी, क्योंकि वो भी कब से बुला रही थी, और वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी थी, तो इतने महीने बाद आई हूँ, तो वो कह रहे थे शायद हमें भूल लिए, तो कब से उनके घर जा रही थी, पहले आंटी सारा वाले थे, तो ऐसे टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पे थे तो कल इतने सारे कपड़े भी वॉश किए हैं, कुछ लपेट के भी रखे हैं, कल सारा दिन लाइट नहीं थी, तो ये सारे कपड़े हाथ पे ही वॉश किए हैं, ऐसे ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे देखे, ये हमारा एक बैग पड़ा हुआ है, और ये किसी का गिफ्ट आया हुआ है, वो हमारे घर एक छोटा सा बच्चा आता था हसन, उसकी खाला ने भेजा उसके लिए, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है, तो ये उसका गिफ्ट आया हुआ है, उसको भी जाके देंगे। और यहाँ पे देखे, कुछ मैंने कपड़े सिलवाए करवाए यहाँ से। यहाँ पे देखे, ये उसका ट्राउज़र हो गया, ये मैंने कपड़ा भेजा था, मेरी अम्मी ने यहाँ से सिलाई करवाई है, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी सिलाई करते हैं। और यहाँ पे देखें, ये है और कलर इसके साथ के ना, मैंने कुर्ता सिलवाया है। यहाँ पे देखें, कुर्ते ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखें, ये वाली खिड़की बंद की, क्योंकि यहाँ से ना रोशनी अंदर आ रही थी, तो यहाँ पे देखें
ये बिल्कुल सेम है एक जैसे अभी इसके साथ का। आज मैं जाऊंगी दुपट्टा लेने अम्मी के साथ। यहाँ पे देखें इसके साथ के ये मैंने बटन भी लगवाए हैं ऑरेंज कलर के और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक ये वाला सूट है इसके साथ का ट्राउज़र लेंगे। ये बस इसका ना कुर्ती बनी है। यहाँ पे देखें ये रेड कलर रेड और वाइट में। तो यहाँ पे देखें ये रहा। ये जब आएंगे ना शादी पे कोई ऐसे घर पे पहन लेंगे। अभी तो मेरे हैं ना ये ना सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छे हैं तो ये ना शादी पे पहनेंगे। और यहाँ पे देखें कितने अच्छे हैं। और एक था वो भी मैंने सिलाई करवाया था। वो जो दूसरा था ना वो फातिमा की यहाँ पे नाप नहीं थी तो मेरी और उसकी नाप सेम है तो उसका एक सूट सिलवाई कराने की हमने तो उसको दे दिया। जब वो आएंगे तो वो भी दिखाएंगे। फिलहाल अभी इनको भी रख कर मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। यहाँ पे देखें ये दो सूट है अभी ये बिल्कुल सो गए हैं तो इन्हें भी लपेट के रखते हैं। आज जो है ना हमारी सासू माँ माशाल्लाह से हमारे लिए बना रही हैं चावल की रोटियाँ और साथ में सरसों का साग है। ये बड़ा टेस्टी एक डिश है यहाँ का पंजाब का फेमस भी आपने सुना हुआ सरसों साग थे चावल की रोटियाँ। इसके साथ बाजरे की भी रोटियाँ थी उस दिन मैंने ट्राई की थी लेकिन बहुत हार्ड होती हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ। मैं अक्सर पंजाब में आके ये खाता था। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट यकीन जाने आप भी ट्राई करें जरूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसी तरह भाजी भी चलेगी और बहुत सारी खुशियाँ अपने साथ लेके चलेगी लेकिन खैर कुछ वक्त के लिए है इंशाल्लाह। ये है कि बाकी काफी पंजाब सन्नाटा हो गया सब जो है ना वीरान हो गया है। सितारा भाजी रौनक करती थी माशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें करती थी और रूठों को मनाती थी सबके साथ अच्छा चलती है। अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे उनकी बहुत अच्छी आदत है और उन्होंने सबको ही अप्रिशिएट किया सबको इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे उनके बच्चों को लंबी उम्र दे। साजिद भाई भी बहुत अच्छे रहे हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस ये फैमिली अलिशा की जो फेवरेट आंटी हैं तो खैर बहुत मज़ा आया। और सितारबाजी की अम्मी भी बहुत दुआएं दे रही है मुझे इंशाल्लाह। दुआ जो हुई थी डेट फिक्स उसमें भी काफ़ी दुआएँ दे रही थी इनकी अम्मी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था इंशाल्लाह हमने पॉसिबल करके दिखाया है बाजी ने और सितारबाजी ने और हमने। एनीवे नए आने वाले को वेलकम कहते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ साथ अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।